जो मीडिया भी देख रहा है देश भर में, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में जो संस्थाएं होती हैं, स्वतंत्र संस्था, आज उनको कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया जो कि देश का, समाज का, स्थिति का, जो भी देश की परिस्थिति है उसका पहरेदार होता है, आज मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। बड़े बड़े घरानों के हाथों में मीडिया दिया गया है। मीडिया की स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल में आ जाती है। जुडिशरी पर बार बार दबाव दिया जाता है, लेकिन जुडिशरी एक ऐसे संस्था है जिस पर लोगों का अभी भी विश्वास चल रहा है, और उसकी मिसाल आपने देखी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मामला जब सामने आया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, हस्तक्षेप किया, तो पर्दाफाश हुआ इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कारगुजारी का, कि कैसे लोगों को दबाकर जो बिजनेस हाउस है उनसे कैसे पैसा ऐंठा गया, और इसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ गया है, किस पार्टी को गया है, और किन परिस्थितियों में गया है, कौन सी तारीखों को गया है, ये सारी बातें सामने आई। पहले केस करो, दबाव डालो और पैसा आपकी जेब में आए, ये बात अब देश में छिपी हुई नहीं। लोकतंत्र में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तानाशाही की निशानियां हैं। अगर कोई कुछ बोलता है, चाहे कोई मीडिया का, उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसियां और केस। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं, लोकतंत्र में हर एक की अपनी जगह होती है, विपक्ष की एक खास जगह होती है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से अपनी इन सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, और बातें वो भी सामने साफ नजर आ जाती हैं। क्या कारण है? कोई हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है उनका, सब कुछ धुल जाता है, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये भी आपने बार बार देखा। आज के दिन मुद्दे बहुत हैं। कहां गए 15 लाख लोगों की जेब में, कहां गए सालाना 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण कहां गया, लोगों को आप लॉलीपॉप पकड़ाकर, प्रोपेगेंडा करके लोगों को आप ये दिखाना चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कैसे हो सकता है? अभी रिपोर्ट हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि 40% संपत्ति देश की 1% लोगों के हाथ में, यानी आधा आधा हिस्सा देश की संपत्ति का
आपने 1% लोगों के नाम कर दिया। ये कैसी नीति है सरकार की? सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, ये उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटें, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें और लोग वोट दे दें। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी महंगाई से निजात मांग रही है। और केवल गृहिणी क्यों, आप बताइए कि जो भी कमाई करता है, चाहे उसका अपना छोटा मोटा रोजगार हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन सब मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर, आप मुझे बताइए कि महंगाई क्या आपको नहीं छू रही? जिसकी सैलरी फिक्स हो, जिसकी इनकम फिक्स हो, और महंगाई बढ़ती जाए, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस, EMI कहाँ से भरेंगे? तो साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इन सभी बातों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए देश में यात्रा की। 10,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर पैदल, और उसके बाद 6,500 किलोमीटर बस यात्रा और पैदल लोगों के बीच में गए। हर वर्ग से उन्होंने बातचीत की। मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से कभी बातचीत की? कभी मीडिया को एड्रेस किया? कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना? जवाब देना तो वो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। तो साथियों, समय है। आज के दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो, मैं तो कहूंगी, ड्रामा रचा गया चुनाव से फौरन पहले, क्या जरूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदली, चेहरा बदला, लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी वही, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने आ गई। कमजोरी जरूर लोगों को नजर आने लगी है कि क्या कारण है। पांव हिल गए थे, नींव हिल गई थी, जमीन पांव के नीचे से निकल रही थी। तो चलो लोगों के सामने एक दिखा दें कि हम बदल रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। आपस में अलायंस तोड़ने की बात हुई, वो भी एक दिखावा है, वो आपने देख लिया। ये लोग पहले से चर्चा में, ये बात की आम जनमानस में, ये चर्चा का विषय था कि चुनाव आएगा और इनका अलायंस टूटेगा। ये दिखावा भी करना है और वो सामने हो गया, ये भी दिखावा हुआ है। तो जो इतने साल भ्रष्टाचार चला, उसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से ये सारी बातों के, सवालों के जवाब नहीं मांगेगी जनता? तो साथियों, आज ये समय है। हमें पूरा विश्वास कि हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोकेगी, मजबूती से हम दावा ठोकेंगे। मैं जानती हूँ आप सवाल पूछेंगे, तो कुछ बातें हैं तो वो मैं आपके सवालों के लिए छोड़ देती हूँ, उनके जवाब मैं फिर दूंगी। अभी भी बोल सकती हूँ, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी आपकी बात। देखो, अगर लोकसभा का आदेश होगा तो लोकसभा, मेरा तो दिल पार्टी में है,
जो कहेंगे गलत है। देखो ये तो जब आप किसी माँ बाप से बच्चे के बारे में पूछते हो कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है, ऐसा तो होता नहीं। बाकी देखो थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि मुद्दे क्या रहेंगे। लेकिन फैसला मेरी हाई कमांड करेगी। आपकी जिस तरह से हमने पहली बार नहीं देखा, कई बार तो इतिहास में कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ, इंदिरा जी अकेली खड़ी रह गई, अकेली खड़ी। उस समय मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी हरियाणा के पीसीसी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि पार्टी सारी चली गई थी, हमारा दफ्तर भी चला गया था। तो हमने तो ऐसा ऐसा समय देखा है। तो लोगों का आना जाना ऐसे समय में, चुनाव के समय में रहता है, अमूमन रहता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी ने कभी इससे कमजोरी पाई है, या लोगों की नज़रों में कभी पार्टी में ऐसा कुछ उसको और ढंग से देखा गया। हमारी ताकत हमारी विचारधारा है, हमारी ताकत हमारा नेतृत्व है, और हमारी ताकत लोग हैं। तो इन चीज़ों को मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि ये चुनौती जो होती हैं, इन चुनौतियों से उभरना भी हम चाहते हैं। लेकिन पिछले जो भी चुनाव में उतरता है वो जीतने के लिए ही उतरता है, मैं ये समझती हूँ। लेकिन चुनाव तो जनता जिताती है, चुनाव पार्टी के लोग, लोगों का मन। तो अब लोगों का मन क्या है, यहाँ की जनता, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और कैंडिडेट के बारे में मैंने आज तक भी कभी अपने ओपोनेंट के बारे में कभी मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, और ना मैं करूँगी। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी एक प्रक्रिया है, हमारी पहले स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो बैठ रही है, कई बार बैठ चुके, अभी फिर है एक दो दिन में मीटिंग, और उसके बाद हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है, वहाँ पर जाएगा मामला। हमें उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में मामला होना चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा, जो बेरोजगार देश के युवाओं के साथ, हमारी पीढ़ी के साथ धोखा हुआ, किसान है उसके साथ धोखा हुआ है। MSP का कहा कि हम आपको कानूनी दर्जा MSP को देंगे, स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे, कुछ नहीं किया। गरीब आदमी के साथ, जो गरीब से गरीब है, हमारा दलित है, उनके साथ धोखा हुआ है। बच्चों को वजीफे तक नहीं मिलते, सबके साथ धोखा। बैकवर्ड की ये बात करते हैं, क्यों नहीं कहा सेंसस की बात करते हैं? आपने बैकवर्ड को क्या दिया है, क्रीमी लेयर आप बीच में ले आए, तो बैकवर्ड के साथ भी आपने इंसाफ नहीं किया है। मिडिल क्लास के साथ वो बताइए, कानून व्यवस्था की आज धज्जियाँ उड़ रही हैं, उसके बारे में बोलिए। स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे, वो कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते। भ्रष्टाचार व्यापक है, बहुत से मुद्दे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। अभी आपने सबसे बड़ा घोटाला देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। मुझे नहीं लगता कि किसी लोकतंत्र में इतना बड़ा स्कैम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसा हुआ होगा किसी देश में, किसी लोकतंत्र में। मुद्दे बहुत हैं, महंगाई मैंने कहा, बातें हैं, मुद्दों को जो लोगों को छूती है, उनकी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, ये सब मुद्दे हम लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। आखिरी सवाल है, थैंक यू मैडम। एक बात बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी को इन्होंने कमजोर करने की जो ये कोशिश की है,
लेकिन हमारे चुनाव हमेशा लोगों ने लड़े। पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया गया, हमारे अकाउंट में से पैसे निकाले गए इनकम टैक्स द्वारा, इनकी एजेंसी द्वारा, क्योंकि कोर्ट की बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो हमारी पार्टी के साथ किया है इसका जवाब लोग देंगे और हमारा चुनाव भी लोग लड़ेंगे, जनता हमारा चुनाव लड़ेगी। जो सर्वे मीडिया फिलहाल अभी सिरसा में हम लोगों ने किया है, लोगों का ये मानना है अगर शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बननी चाहे, सिरसा की सीट कांग्रेस की जोड़ी में आनी संभव है। आप कैसे देखो, बात ये है सिरसा के लोगों का आशीर्वाद भी और अपार प्रेम मेरे पिताजी को स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को मिला, मुझे मिला। बेशक मैं यहाँ से चुनाव लड़ी ना लड़ी, लेकिन हमारा नाता हमेशा कायम रहा है, तो इसको मैंने कभी चुनाव के साथ जोड़कर अपने रिश्ते को नहीं देखा है, लोगों का प्यार। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अम्बाला जब मैं गई, अम्बाला में मैं एकदम नई, ये तो पुराना हिसार जिला है, अपने घर का जिला, वहाँ पे तो लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे, नाम सुना होगा लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ ही लोग जानते थे आप, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मुझे अपार प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। दो बार मैं यहाँ से सांसद बनी, दो बार मैं अम्बाला से सांसद बनी, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ लोगों की भी, अपने नेतृत्व की भी और भगवान की भी। मुझे आपका दावा कहाँ से है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये केवल दिखावा किया गया है। अब अलायंस टूटना, चेहरा बदलना, कुछ नहीं आया है, उसका नतीजा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से किया व्यवस्था वही है, तो क्या फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, जो आप 10 साल में लोगों के सामने आपने बात रख दी है, अब कैसे चेहरा बदलते हो फर्क। यही बात है, केवल चेहरा बदलने से ना व्यवस्था ना फितरत कुछ नहीं बदला है, ये केवल दिखावा है, सारा सिस्टम वही है, सिस्टम वही चलेगा। 4-6 महीने में नए मुख्यमंत्री का लोगों के नाम भी नहीं, दफ्तरों में तस्वीर भी नहीं बदली जाएंगी, लोगों को क्या मालूम पड़ेगा। इसलिए किया, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा जो था वो फेल हो गया, इसलिए शायद इनको बदलना पड़ा। आपका दावा कहां से, आपका दावा कहां से, कहां से चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने कोई दावा नहीं किया, नंबर वन आपकी दिली इच्छा क्या है? नंबर वन कोई दावा नहीं किया है मैंने, आप जानते हैं इंदर जी बैठे, सबसे पहले मेरा जब मैं यहाँ पे आई थी 88 में सबसे पहला इंटरव्यू आपने यहाँ पे, तो आप सब जानते हैं मुझे, मेरा दावा नहीं, पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, हाई कमांड मुझे जब जो आदेश करे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ो, कहाँ से लड़ना है हाईकमांड फैसला करे, वो अपने सर्वे कराते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं, तो जो मुझे आदेश होगा हाईकमांड का वो मैं मानूंगी। ये मैंने ज़रूर जाहिर किया, आपके सामने भी किया, मीडिया के सामने किया, ऊपर भी किया, कि इस बार मेरा मन है कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूं, उससे पहले लोकसभा चुनाव है तो हाईकमांड फैसला करे कि लोकसभा में मुझे वो लड़वाएंगे, कहां से लड़वाएंगे ये वो फैसला। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हो सकता है कि मेरे से नवीन जी विचार किसी बात में अलग हो सकता है, वीरमान जी का अलग हो, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव में आप बहुत कम देखेंगे
कि चुनाव, हाँ ठीक है ये लूसना मनाना ये भी एक हिस्सा होता है, लेकिन चुनाव हमेशा पार्टी एक मुश्त होकर लड़ती है और लड़ेगी। मैडम एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अगर हरियाणा में उद्धव और शैलजा फिलहाल अगर एक मंच पे इकट्ठे हो जाए तो बीजेपी में भारी पड़ सकते हैं? कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भारी, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। बाकी आपने गुटों की बात की है, अब उसको चाहे गुट कहेंगे या सबका अपना अपना अब समझेंगे कि इन्फ्लुएंस होता है, तो ये सब बातें हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं काम। पीछे हमने अपनी यात्रा की, आपने देखा उसका कितना बढ़िया नतीजा, लोग पार्टी के साथ जुड़े और लोगों ने पूरा पूरा साथ दिया, और मैं समझती हूँ कि जो हमने यात्रा की उसका भी असर पड़ा है हरियाणा में। जिस तरह से लोग पांच पांच छः छः घंटा कड़ाके की ठंड में रात के 11-11 बजे 12-12 बजे तक हमें खड़े मिले, तो ये पार्टी के प्रति तो उनका लगाव था, तो पार्टी मजबूत हुई है, आगे मजबूती से ये चुनाव लड़ा जाए। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? अलायंस है 10 का, लेकिन आपकी जो कांग्रेस पार्टी है शोक कमर अध्यक्ष बने थे, उसके अध्यक्ष नहीं थे, जिला अध्यक्ष तक नहीं थे, और टिल आज तक अभी तक कोई आपके जिला अध्यक्ष का कोई संगठन नहीं कर पाया है, वैसे भी कहती है हमारे बंदा प्रमुख तक बने हुए हैं, तो सबकी अपनी अपनी बात है। कांग्रेस पार्टी कभी कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन बनकर रही है हमेशा से। तो ये बात जहां मैं मानती हूँ, और मैंने खुद भी माना जब मैं अध्यक्ष थी, कि ये मेरी एक मेरे मलाल रहा मन में कि हम संगठन नहीं बना पाए, और मैं समझती हूँ कि हमारे साथी जो ज़मीन पर काम करते हैं ये उनका हक भी होता है, उनकी पहचान होती है, और पार्टी में मजबूती आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि कोई फर्क, लेकिन हमारी मजबूती हमारा वर्कर है और जनता में हमारा संदेश है, हमारे नेतृत्व का संदेश, हमारी विचारधारा, तो हमारे सभी लोग जमीन पर काम करते हैं वो ओहदे के मोहताज नहीं है, जमीन पर सब लोग कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। संगठन होता कोई गलत बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके बिना भी हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है, कमजोरी नहीं। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे आपकी पार्टी के?